नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। प्रेम प्रसंग के कई सारे किस्से आपने सुने होंगे, कहानियां आपने सुनी होंगी, खुद देखी भी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह का सोचा होगा कि अपने प्रेम को हासिल करने के लिए, अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बेटी अपने घर में ही डाका डालती है। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी ही खबर आज बताने जा रहे हैं, एक ऐसी ही जानकारी आज देने जा रहे हैं जिसमें एक बेटी अपने ही घर में चोरी करती है और अपने चोरी किए उस पैसे को लड़के के हवाले कर देती है। इतना ही नहीं, उन दोनों की तरफ से ये प्लानिंग की जाती है कि जब वो दोनों बालिग हो जाएंगे, यानी कि 18 वर्ष के हो जाएंगे, तब वो दोनों शादी करेंगे। लेकिन इस सब के बीच उनका पूरा ये खेल धरा का धरा रह गया, क्योंकि उन वो दोनों को उनके परिजनों ने पकड़ लिया, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई और पूरे मामले का खुलासा हुआ। आखिर किस जिले के बात हम कर रहे हैं, किस जिले से ऐसी तस्वीर देखने को मिली, किस तरह से ये पूरे खेल को रचा गया है, इस पूरी जानकारी हम आपको इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। बता दें कि पाली जिले के सेंदड़ा थाना क्षेत्र की एक 17 साल की नाबालिग ने करीब 4 लाख रुपए के गहने अपने बॉयफ्रेंड को दे दिए। दोनों 18 साल के होते ही भागकर शादी करना चाहते थे, लेकिन अलमारी से रुपए गायब होने पर परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने घर में चोरी हुए गहने बरामद कर लिए हैं और दोनों नाबालिगों को संरक्षण में रख लिया गया है। बता दें कि एसपी राजन दुष्यंत ने बताया है कि सेंदड़ा थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने 11 अक्टूबर को रिपोर्ट दी थी कि घर की अलमारी में रखे 33,600 रुपए और 4 लाख कीमत का करीब 9 तोला सोना चोरी हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गहने घर में गड्ढा खोदकर उसमें छिपा रखा गया जिससे कि चोरी ना हो जाए, लेकिन किसी ने गड्ढा खोदकर गहने निकाल दिए। चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस को जांच में पता चला कि घर की बेटी एक लड़के से फोन पर रोज घंटों बात करती है। इस पर पुलिस को शक हुआ, उसने लड़की को अकेले बुलाकर पूछताछ की, लड़के के बारे में पूछा क्या बात होती है इसकी भी जानकारी ली। इस पर नाबालिग ने गहने देने की बात बता दी, उसने गहने और रुपए अपने बॉयफ्रेंड को देना बताया। उसका बॉयफ्रेंड नाबालिग है और उसी गांव में रहता है जो उसके साथ पढ़ाई करता है। पुलिस ने नाबालिग को संरक्षण में लेकर उससे गहने और नगद बरामद कर लिए। बता दें कि नाबालिग की मां का कहना है कि 3 बेटियों में 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। 17 साल की नाबालिग बेटी की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा कर गहने बनवा रखे थे, चोरी ना हो जाए इस डर से घर में ही गड्ढा खोद कर उसे सुरक्षित रखा गया था। सेंदड़ा थाना प्रभारी मनोज समरिया ने बताया कि घर में गहने कहां गड्ढे खोद कर छिपा रखे थे इसकी जानकारी नाबालिग की माँ और उसकी 3 बेटियों को ही थी। नाबालिग के पिता और भाई को इसकी जानकारी नहीं थी। जब गहने गायब हुए तो मां ने 3 बेटियों से पूछताछ की, नाबालिग से भी पूछताछ हुई लेकिन वह इनकार करती रही। आखिरकार उन्होंने थाने में रिपोर्ट करवाई, पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो नाबालिग ने गहने अपने बॉयफ्रेंड को देने की बात स्वीकार की। तो ये पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करती है और आगे की छानबीन करती है, तब जाकर ये पता चलता है कि खुद उस लड़की ने अपने घर में वो गड्ढा खोदकर पूरे गहने निकाल लिए और अपने बॉयफ्रेंड को दे दी ताकि आगे जाकर वो दोनों शादी कर पाते। तो ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर जो है वो सामने आई है, जिसमें अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, अपने प्यार को मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक बेटी अपने घर में डाकर डालती है और अपने घर में ही हाथ साफ कर लेती है। बता दें कि चोरी होने के बाद परिवार परेशान था, टेंशन में था, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई जाती है और आगे जाकर खुलासा होता है तो ये पता चलता है कि खुद घर की बेटी ने ही डाका डाला है, खुद घर की बेटी ने ही
चोरी किया है। तो ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर जो है वो सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग लड़की की तरफ से ये पूरा खेल रचा जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को ही पूरे पैसे जो है वो दे देती है। ऐसे में इस खबर को जानने के बाद, देखने के बाद आपकी क्या राय है, इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।